अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कद्दू का दलचे बनाने की रेसिपी बताएंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कद्दू का दलचा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल ली है, इमली ली है, चने की दाल और इमली को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्योंकि हमने चने की दाल धोकर रख ली है और इसमें पानी डाल कर रख लिया है, इमली को भी धो लिया है, इसमें भी पानी डाल लिया है। चने की दाल हमने 2 घंटे भिगने ही रखना है पानी में। चने की दाल गलने में टाइम लेती है इसलिए हमने इसे 2 घंटे तक पानी में रखा है। एक कद्दू लिया है और इसे पील कर इसके पीसेस डायमंड शेप के काट कर रख लिया है। इमली का हमने पल्प निकाल कर रख लिया है। कोथमीर, करिया पाक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, स्पाइसेस में हमने शाहजीरा, दालचीनी, इलायची लिया है। सब इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। कुकर में पहले हमको चने की दाल गला लेनी है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। कुकर का लिड बंद कर देंगे। 1 विजिल आने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमने दाल बंद कर दिया है कुकर का गैस। यहाँ पर एक सॉस पैन में तेल डाल लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट डाल लेंगे और इसे अच्छे से तलेंगे लाइट ब्राउन होने तक। कि अदरक लहसुन पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डाल लीजिए, स्पाइसेस डाल लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें कोथमीर, करिया पाक डाल लेंगे, इसे भी कद्दू को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
2 मिनट तक आप कद्दू को अच्छे से मसालों में भूनिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। देखिए हमने पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका लिड ढक देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे कद्दू गलने तक। बीच में आप इसे कबाब चीनी भी ऐड कीजिए थोड़ी सी। बीच में आप इसे हिलाते रहिए। देखिए थोड़े से कद्दू गल गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसे पीसेस में काट लिया है। इसे भी मिक्स कर आप इसका लिड ढक दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए कद्दू पूरे गलने तक। इसे हम फिर बीच में चेक कर लेंगे और इसे हिलाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। दाल गल गई है। हमने इसे दाल को ब्लेंड कर कर रख लिया है बाजू में। अब हम यहाँ पर कद्दू को चेक करेंगे। देखिए कद्दू बिल्कुल गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसमें पहले इमली का पेस्ट डाल लेंगे। गली हुई चने की दाल का पेस्ट डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खट्टा और नमक का बीच में टेस्ट कर लीजिए। इसे हमें एक बॉईल आने तक पकने देना है। इसका लिड ढक दीजिए बॉईल आने तक। देखिए बॉईल आ गया है। इसे एक बार हिलाइए और मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाइए। बंद कर दीजिए। देखिए हमारा कद्दू का दालचा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये कद्दू के दालचे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना नोटिफिकेशन बटन हमेशा ऑन रखिए ताकि हमारे नए रेसिपीज आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।